नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है खंडवा से, जहां पर कोरोना महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू के दौरान नगर में मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा जरूरतमंदों की सेवा कर समाज हित में लगातार गतिविधियां जारी है। जानकारी देते हुए संघ के जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में संघ द्वारा अवस्थी चौहान भंडारिया रोड स्थित गरीब बस्तियों में निवासरत तिहाड़ी मजदूरों के घरों पर पहुंचकर गर्मा गर्म भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सुनील जैन ने कहा कि कोरोना महामारी के इस काल में कोरोना कर्फ्यू लगा है, ऐसे में गरीब मजदूरों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा पत्रकार संघ ने अपने अहम भूमिका निभाते हुए यह संकल्प लिया है कि गरीब बस्तियों में पहुंचकर भूखों को भोजन कराकर उनकी आत्मा तृप्त करेंगे। प्रसिद्ध संत डोंगरे जी महाराज कहते थे कि भूखे को रोटी और प्यासे का पानी पिला दिया तो वह सच्ची ईश्वर सेवा है। इसी का पालन करते हुए मीडिया संघ के सदस्य कर्फ्यू के दौरान उनके घरों तक पहुंचे उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहेंगे। अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कहा कि महामारी के इस दौर में हम सब का दायित्व है कि मरीजों की सेवा के साथ हम गरीबों की सेवा भी करें। समाज सेवियों के संयोग से खंडवा नगर के गरीबों को प्रतिदिन मीडिया संघ द्वारा भोजन कराया जा रहा है। यह प्रक्रिया कर्फ्यू के दौरान चलती रहेगी। इसे पूर्व बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को भी भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर संजय चौबे, सुनील जैन, पंकज लाड, नितिन झवर, मनीष गुप्ता, कन्हैया मंडलोई, निर्मम मंगवानी, फमीम मंसूरी, राहुल चौहान आदि सदस्यों ने भोजन के पैकेट बांटे हैं। ताजा गर्म भोजन प्राप्तकर्ता उन्हें खुशी जाहिर करते हुए संघ सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। सुनील भैया बताएं, सुनील भैया बताएं, सुनील भाई चंदा जी भी बताइए। इस समय हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में जबकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना को बचाने के लिए पूरा प्रयास किए हैं और हम देख रहे हैं कि खंडवा शहर में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जो दिन भर मजदूरी करने वाले जो शाम को खाते हैं, दिन भर मजदूरी करके शाम को खाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है। और शासन प्रशासन तो अपनी ओर से जो भी राशन पानी की व्यवस्था कर ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आदमी को खाने की बहुत आवश्यकता होती है। डोंगरे जी महाराज ने बोला कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी यदि पिला दिया तो निश्चित तौर पर हमको परमात्मा का जो हम जो दर्शन करते हो सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार का मध्य प्रदेश मीडिया संघ, पत्रकार मीडिया संघ ने एक संकल्प लिया है कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हम लगातार उन गरीबों तक गरम गरम भोजन बनाकर प्रतिदिन देंगे ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। और कहीं ना कहीं इस माध्यम से हमें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी शांति का आवाज़ हो रहा है। पूरा श्याम शुक्ला जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम लगातार प्रतिदिन गरीब बस्तियों में जाकर भोजन के पैकेटों का वितरण कर रही है ताकि उन लोगों को उनकी भूख को मिटाई जा सके। खंडवा से वाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।